Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so you all are fine. Now today we are going to know about the GDP and measuring the GDP. Today our topic is measurement of GDP. All of you know about the what is GDP. GDP is the gross domestic production. यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक मीन के जो हमारी कंट्री के अंदर अंदर की है, हमारी अपनी कंट्री वाली है, उसको हम काउंट कर रहे हैं, ना कि हम फॉरेन वाली काउंट करेंगे. जो फॉरेन वाली हम काउंट करते हैं वो जीएनपी में काउंट करते हैं. मैं आपको अगेन क्लियर करना चाहूँगी, जीएनपी इज द नेशनल प्रोडक्शन. नेशनल इट मीन्स दैट इसमें हम इसको करते हैं डोमेस्टिकली, यानी कि पाकिस्तान के अंदर अंदर की जो होगी, पाकिस्तान विद इन बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, हम उसको काउंट करेंगे. और उसके बाद जो जीएनपी होता है, इसमें ये नेशन की होती है. अब यहाँ पर हम आज जीडीपी को मेजर करने जा रहे हैं. उसके लिए अब एक और चीज़ आती है. सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम को देखेंगे. हेयर इज़ द हाउस होल्ड्स and on the other hand households work in the farm. Farm ले लें या फिर कोई भी इंडस्ट्री ले लें जहाँ पर हाउसहोल्ड वर्क करते हैं और वहाँ से उनकी अर्निंग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये हाउसहोल्ड हैं और ये इस फर्म के पास अपनी सर्विसेज इसको दे रहे हैं. They are delivering their services to the firm, and for these services, the firm is providing to the households. These are the workers and labor. That is our households labor. Okay, firm is providing for their services to them. The payments. कैश और एनीथिंग, यानी कि जो चीज़ भी उनको पेमेंट बनेगी वो चीज़ इनको कर रही है, फर्म की तरफ से पेमेंट जा रही है हाउसेस में. अच्छा, यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि हाउस होल्ड्स जितने भी हैं, कोई भी बिजनेस है, अगर किसी भी बिजनेस की हम बात करते हैं या फिर कहीं पर भी, लेबर हर जगह पे है, एम्प्लॉयमेंट जो भी है हर जगह पर मुलाजिम होते हैं, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, एट एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस जहाँ पर भी लेबर होती है वो अपनी सर्विसेज फर्म को देती है, फर्म उसके बदले में उनको पेमेंट्स प्रोवाइड करती है. ओके, यहाँ पर आ गई अब पेमेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये जो फर्म है, ये है कोई शुगर मिल ले लें या फिर टेक्सटाइल मिल ले लें, इस तरह से कोई भी मिल है ये, तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रही है, ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स आर द पर्सन्स दैट नीड देयर नेसेसिटीज़, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए अपना गुजारा करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने, अब हाउस होल्ड ने जो है यहाँ से परचेज करना है फर्म से, कोई भी चीज़ ले लें, शुगर या फिर क्लॉथ्स या फिर वीट, एनी थिंग एल्स यहाँ से उसने फर्म से लेना है, तो उसके लिए वो फर्म को क्या देगा? ऑब्वियसली पेमेंट करेगा ना फर्म को. ओके, अब ये पेमेंट कौन सी है? ज़रूरी नहीं कि जिस फर्म के पास ये हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं उसी को ही वो जाकर पेमेंट दें, नहीं. यहाँ पर फर्म मीन एज ए होल, यानी कि पाकिस्तान की जितनी भी फर्म्स हैं मैं उसको ले रही हूँ यहाँ पर. यहाँ पर ये फर्म्स के पास, यहाँ जैसे ही पेमेंट्स फर्म के पास आ जाएंगी, अब फर्म इसके बदले में इसको हाउस होल्ड को क्या दे रही है? पेमेंट ले लिया. और यहाँ पर हाउस होल्ड्स को ये क्या प्रोवाइड कर रही है? गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज, यानी कि इन्हें जो भी चाहिए था हाउस होल्ड को वो प्रोवाइड कर रही है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज से क्या मुराद हुआ.
सर्विसेज में कोई आजकल जैसे हैं ओपन किए हुए कंसल्टेंट ओपन हुए हुए हैं कंसल्टेंसी जो एचआर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है या फिर एनीथिंग एल्स, यानी कि डोमेस्टिकली यूँ लगा लेके घरों पर जो वर्कर होते हैं या फिर कोई भी इस टाइप का जो हाउस होल्ड को चाहिए होता है वो चीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमें गुड्स को प्रोवाइड करता है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जो हमारी जीडीपी है वो है जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एंड जीडीपी जो होती है वो किसी भी मुल्क की सालाना एनुअली जो प्रोडक्शन है उसको जाहिर करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जीडीपी को दो तरह से मेजर कर सकते हैं। अभी हमने बात किया कि ये एनुअली जो है प्रोडक्शन है उसको जाहिर कर रही है। अगर यहाँ पर बात करते हैं हम तो ये आ जाता है फर्म के पास, यानी कि प्रोडक्शन लगा लें या फिर ये हाउस होल्ड यहाँ से जो भी परचेजिंग कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल हो रहा है ना। ये देखिए एक्सपेंड हम यहाँ पर आकर करेंगे, एक्सपेंडिचर्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड वी आर सीइंग दैट हाउस होल्ड के पास क्या हो रहा है, इनकम आ रही है, ऐसे ही है ना। ओके, एंड वी आर एक्सप्लेनिंग दैट जीडीपी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एनुअली पर ईयर ऑफ एनी कंट्री, और यहाँ पर इसने क्या किया, फर्म ने एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर फर्म्स के पास आ जाएंगे और इसी तरह से यहाँ हाउस होल्ड के पास क्या आता है, इनकम आ जाती है। ओके, यहाँ अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं ये चीज़ क्लियर हमें होती है कि इस एग्जाम्पल के बाद ये चीज़ क्लियर हुई कि जीडीपी जो है दो तरह से मेजर की जा सकती है, वन इज़ द इनकम एंड अदर इज़ द एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सीइंग द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी, द टू वेज फॉर दैट आर एक्सप्लेनिंग द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी। फॉर जीडीपी मेजरमेंट वी आर सीइंग हियर द टू वेज, वन इज़ द इनकम अप्रोच, एंड अदर इज द एक्सपेंडिचर अप्रोच। ओके, अब यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इनकम अप्रोच क्या है एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर अप्रोच। इनकम अप्रोच में एक साल में जितनी भी इनकम हमारे पास हमारे कंट्री में जितनी भी इनकम आएगी उसको हम काउंट करेंगे, और ऑन द अदर हैंड एक्सपेंडिचर यानी कि जितनी भी स्पेंडिंग्स हुई हैं कंट्री में एक साल के दौरानिए में हम यहाँ पर उसको काउंट करेंगे। यानी कि जीडीपी को या तो हम मेजर कर सकते हैं इनकम के थ्रू या फिर हम मेजर कर सकते हैं एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। ओके, जब हम इनकम अप्रोच की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है, इनकम को यहाँ पे मैं शो करने जा रही हूँ वाई से, वाई टेकन फॉर इनकम, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ओके, यहाँ पर जो हमारी इनकम आ गई है सी प्लस आई प्लस जी, सी क्या है हमारे पास, कंजम्पशन है, इनकम के थ्रू हम मेजर करने जा रहे हैं ना। तो इनकम जब हमारे पास आती है तो हम एक तो उसको कंजम्पशन में यूज करते हैं, दूसरा हम उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड द अदर इज गोविट, यानी कि टैक्सेस वगैरह की सूरत में वो या फिर एक्सपेंडिचर की सूरत में जैसे करके भी वो गोविट के पास पहुंच जाती है। इसको हमने गवर्नमेंट के लिए लिया है। अच्छा, बिल्कुल सेम इसी इक्वेशन को मैं इक्वल करने जा रही हूँ विद एन अदर इक्वेशन, यानी कि अगर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वो सेविंग करते हैं। ओके, लेकिन कंज्यूम तो वो हर हाल में करते हैं ना। देखिए कंजम्पशन सबकी होती है, अगर उनने सेविंग कर ली तो कर ली, अगर सेविंग नहीं की तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यही दो कंडीशन होती हैं। अच्छा, यानी कि कंजम्पशन तो है ही है और साथ में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सेविंग सी प्लस एस। ओके, और गोविट की मैंने बात की है कि गोविट किस सूरत में लेगी, टैक्सीज की सूरत में ले सकती है या फिर जैसे भी मतलब, तो ये अब इसका ये मतलब हुआ कि ये दो इक्वेशन इक्वल हो गई हैं। एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट दिस, अब मैंने वाई को यहाँ से हटा दिया, वाई यानी कि जो इनकम को शो कर रहा था, वाई इज इक्वल टू, अब ये आ गया, यानी कि एक वाई इज इक्वल टू इसके बन रहा है, और अगर हम वाई को दोबारा देखते हैं तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी भी बनता है।
ये इसकी जगह पर आएगा और ये इसकी जगह पर आएगा। यानी अब इसमें सी क्या है, सी इज़ अ कंजम्पशन। ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, अगर आप इसको लेना चाहेंगे ले सकते हैं, इसको लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ओके, सी कंजम्पशन है। कंजम्पशन कौन सी है, हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन है, यानी कि डेली की लाइफ में जो ये कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड्स, वो वाली कंजम्पशन है। और इसमें अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट भी कंज्यूम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी कि जो एनुअली है हमारी हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन है वो भी काउंट हो जाती है। और उसके बाद गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो कंजम्पशन लगती है और पार्किंग में लगती है, ETC पार्क्स बनाते हैं, और गवर्नमेंट जो भी मतलब मेट्रो की ले लें एग्जांपल, या फिर ये सारी इसमें जब गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर्स लगते हैं उसे भी काउंट किया जाता है। यानी कि ये चीज़ भी काउंट हो गई है कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंड किया, यानी गवर्नमेंट का भी काउंट होता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम लोगों का, मतलब कि जस्ट जो है गवर्नमेंट से हट के प्राइवेट हैं उनका काउंट होगा, नहीं। एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या ले रहे हैं, हमारी वाली कंजम्पशन जो हाउस होल्ड्स की है, गवर्नमेंट वाली भी आ गई। और इन्वेस्टमेंट, यानी चाहे इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है या फिर छोटे से छोटा इन्वेस्ट कर रहा है, अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। ओके, अब इसकी जगह एक इस तरह से हम इसको मेयर कर सकते हैं इनकम को। अच्छा, मैं ये क्लियर करती जाऊँ कि कंजम्पशन में आपके पास क्या चीज़ नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई किसी की चोरी की है, थेफ्ट कर लिया है कोई भी चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मगलिंग में कोई चीज़ आ जाती है और वहाँ पर आप कंज्यूम कर रहे हो ड्रग्स वगैरह, या इसकी एग्ज़ाम्पल ली जाए, तो वो चीज़ हमारी कंजम्पशन में नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर कोई और कंज्यूम ऑलरेडी कर चुका होता है। और जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में हमारी वो इन्वेस्टमेंट काउंट होती है जो यानी कि रियली में ना दिखाई दे रही होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में वो चीज़ नहीं, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती जा रही हूँ कि इसमें क्या चीज़ नहीं आएगी। गवर्नमेंट में वो चीज़ नहीं आएगी जो हमें बाहर से फंड्स मिले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने गिफ्ट कर दिया, फ़ंड गिफ्ट किया, ब्रिटिश ने भेज दिया, या फिर USA से जैसे फंड्स आ जाते हैं, तो वो चीज़ जो होती है गवर्नमेंट की वो काउंट नहीं होती हमारी। गवर्नमेंट की बेशक वो इनकम में है, लेकिन वो गवर्नमेंट की इनकम नहीं है, उसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करते होते। और उसके बाद अगर हमने इन्वेस्ट किया इस पर, के मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, एक घर है और उस घर पर आपने ना ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर अपना किया हुआ है कि ये मैंने यहाँ से जो है इतना रेंट पे दे देना है, उसकी एग्जांपल ले लें, तो ये चीज़ इसमें आप रेंट पर दे रहे हो तो वहाँ से जो आपको इनकम आ रही है वो काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आपने पूरा घर बनाया तब वो काउंट हो चुकी, तो यहाँ पर डबल काउंटिंग का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। और उसके लिए ये बातें आपने क्लियर करनी है, मज़ीद आपने इसको एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करना है, ज़रूर इसमें आपने देखना है कि कौन सी कंजम्पशन काउंट होती है कौन सी नहीं, इन्वेस्टमेंट कौन सी, गवर्नमेंट कौन सी। ओके, उसके बाद जब मैंने कहा कंजम्पशन तो वही आ गई सेविंग की बात की, तो सेविंग में अगर आपको कहीं से ईदी मिलती है या फिर घर में किसी ने आपको ड्रेस दे दिया या ऐसी कोई चीज़ आपको मिलती है, जिसने ड्रेस परचेज किया था उसने अपनी इनकम में वो काउंट करवा दिया, बैंक में उसकी इनकम के थ्रू काउंट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपको वो गिफ्ट मिला है तो वो भी आपकी इनकम में प्रॉपर्टी है ना वो आपकी, तो यानी कि वो भी आपका सेविंग वाला काउंट होगा, नहीं, वो चीज़ आपकी काउंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, हमारे फादर हमें मनी देते हैं और उसको हम सेव करते हैं, जब हमने वो मनी सेव कर ली तो वो हमारी इनकम नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे फादर की इनकम में काउंट हो चुकी है। ओके, तो विच टाइप ऑफ सेविंग्स दैट आर इंक्लूडिंग दोज सेविंग्स दैट आर इन बैंक्स एंड एट हाउस होल्ड सेविंग्स, जितनी भी काउंटेबल सेविंग्स होती हैं बैंक्स में या फिर इस तरह से, वो वाली इसमें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद अगर टैक्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि चीज़ों के ऊपर हमें बता दिया जाता है कि इतना आपका इसमें इनकम में टैक्स होगा, इतना कट कर लिया जाए। जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमें पता नहीं चलता, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बिस्कुट परचेज किया या एनीथिंग एल्स, ईटिंग गुड्स,
और एनीथिंग एल्स, यानी कि कोई भी लगा ले मेडिसिन की बात कर ले, इनमें जो टैक्स काउंट होता है वो वाला टैक्स हमारे पास यहाँ पर हो सकता है, या फिर ड्यूटी टैक्स हो सकता है, कस्टमाइज टैक्स हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये सारे जो होते हैं वो काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि इनकम अप्रोच में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आप इसको ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, और इसको आपने लेकर इसके इक्वल कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन रेड की दिस, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट अप्रोच। नेक्स्ट आई हैव सेइंग दैट एक्सपेंडिचर अप्रोच। एक्सपेंडिचर अप्रोच, इसमें अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर को काउंट करना है। अब एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे वन ईयर के इसमें हम ले लेते हैं दौरानिए में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, अब हमारी इधर बात हो रही है परचेजिंग्स की, यानी हमने जो भी खर्च किया एक्सपेंडिचर, या तो एक साइड से आप इनकम को काउंट कर लें कि इनकी इनकम कितनी है, ठीक है। नहीं, अगर इनकम अप्रोच एक, दूसरी अप्रोच यानी इन्होंने कितना खर्च किया है, कितना एक्सपेंड किया है। अब यहाँ पर जस्ट हम एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात करते हैं, कितनी स्पेंडिंग्स हैं और कितना एक्सपेंड किया है, इसमें वो चीज़ काउंट कर ली जाती है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड एक्सपेंड करते हैं, या फिर हम इसमें छोटे से बड़े तक सारी चीज़ जो है वो काउंट कर ली जाएगी एक्सपेंडिचर अप्रोच में, कि हाउ मैनी परचेजिंग्स आर मेड बाय द कंज्यूमर्स, परचेजर्स आर बायर्स, ETC। ओके, यहाँ पर अब मैं आपको एक और बात क्लियर करती चलूँ कि जो बहुत ही मेन चीज़ है, मेन टॉपिक में आती है, वो ये है कि इसमें जो डबल काउंटिंग होती है ना, उसका खदशा होता है, ठीक है। जब हम इसको काउंट कर रहे होते हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात कर लें, फॉर एग्जांपल इसमें हमने देखा कि हम कपड़ा की बात करते हैं, क्लॉथ, वी आर टेकिंग एग्जांपल फॉर एक्सप्लेनिंग क्लॉथ की हमने बात की। ये हमारे पास क्लॉथ जो है वो है 1000 में, एक ड्रेस 1000 में तैयार हुआ, कैसे हुआ, देखिए हम इनकम की बात नहीं कर रहे, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे तैयार हुआ, कॉटन ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल इस पे कॉटन जो स्पेंड हुआ है वो है जी 200 का, और यहाँ पर जो इसमें कॉटन से ये चीज़ हम काउंट कर सकते हैं कॉटन, और अदर थिंग कलर हो सकता है, कलर जो इस पर लगा दिया गया वो फॉर एग्जांपल 150 का लगा दिया गया। अच्छा, जो इसमें मशीनरी यूज़ हुई है, यानी कि कैपिटल की बात करें, मशीन की बात करें, वो चीज़ इसमें ये कहते हैं जी कि उसका जो हमने रेंट पे किया, हमने फॉर एग्जांपल रेंट पर ले ली, वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 150। अच्छा, तो ये 150 कितना हो गया। नाउ वी आर एडिंग दिस ऑल फॉर मेकिंग ओवर टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पर 150 प्लस 150 हो गया, और यहाँ पर आ गया 200, यानी कि हम यहाँ पर बात करते हैं जी 500 हो गया टोटल, ये चीज़ टोटल हमारे पास 500 आ गई। अब इसमें हमने यहाँ पर अपनी जो भी इसकी सर्विस है या मेहनत है उसको काउंट करेंगे, जो भी हम सैलरी पे कर रहे हैं इस कपड़े को तैयार करने के लिए, एक ड्रेस तैयार हो रहा है उसके लिए जो हमने सैलरी उसको दी है वो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर दी है जी 300, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास फिर टोटल हो जाती है 300 को मिलाकर 800। अच्छा, अब एक पर्सन यहाँ से 800 में ले रहा है, अब उसने आगे सेल कर दिया 800 वाला 1000 में, यहाँ पर अब एक्सपेंडिचर में एक चीज़ का फॉल्ट आ रहा है, वो ये फॉल्ट आ रहा है कि 200 कहाँ गया और कहाँ से आएगा या कैसे काउंट होगा। तो ये जो डबल काउंटिंग है ये बहुत ज़्यादा इसमें खतरा रहता है। आपने इस इन दोनों अप्रोचेज की लिमिटेशंस पे भी नज़र डालनी है, आपको लिमिटेशन इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, इनके लिमिटेशंस देखिएगा कि उसमें क्या है। यही डबल काउंटिंग की मोस्टली बात होती है, यही खतरा होता है। अब यहाँ पर ये हो गया, अच्छा अगर हमने ये बात की फॉर एग्ज़ाम्पल के फाइनल गुड लेनी है या इनिशियल, एक्सपेंडिचर के लिए एक और बात का जेन शीन कर लें, या तो ले लें फाइनल गुड्स
एंड या फिर आप यहाँ पर ले लें इनिशियल गुड्स. इफ़ वी टेक द फाइनल गुड्स देन वी हैव 1000. ओके, ये भी 1000 में पॉसिबल हो सकता है. वो तब पॉसिबल होगा जब ये डायरेक्ट सेल कर रहा होगा. मे बी इसने 800 का यहाँ पर लिया और डायरेक्ट फैक्ट्री ने ना इसको सेल कर दिया 800 का. ठीक है, हमें यहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ. तो फिर डबल काउंटिंग कैसे हुई? डबल काउंटिंग इस तरह से हुई कि फाइनल गुड का आपने यहाँ पे काउंट कर लिया. ठीक है, कपड़े वाली शॉप पे गए, अब गोविट जो है वहाँ से कलेक्शन करवा रही है, तो वहाँ से उन्होंने काउंट कर लिया कि ये चीज़ जो है हमारी 800 का ये कपड़ा. अब जब वही लोग जाएंगे अपने सर्वे के दौरान फैक्ट्री पर चले जाएंगे, तो वहाँ पर इंडस्ट्री में फैक्ट्री में जाकर वो फर्म के पास जाकर वो फिर काउंट करेंगे 800. लेकिन ये तो दोनों 800 एक ही चीज़ के हैं ना, तो इसलिए ये चीज़ डिसाइड करना ज़रूरी है. अगर फाइनल गुड ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि इनिशियल में से कोई गुड भी उसमें काउंट ना की जाए. ऑन द अदर एंड, इफ़ यू आर वांट टू टेक द इनिशियल गुड्स, ओके यू कैन टेक इनिशियल गुड्स, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि फिर फाइनल गुड जो है वो उसमें काउंट ना हो. ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तब तक ये आप सारा कीजिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.